हेलो एंड वेलकम टू पूनम्स किचन। आज की रेसिपी है पटेटो चिप्स। ये सनड्राइड पटेटो वेफर्स हैं। ये सनड्राइड पटेटो वेफर्स बनाई हैं। इसे पूरा साल स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी खाना हो इसे इस तरह से डीप फ्राई करना है। पटेटो चिप्स बनाने के लिए आलू लिए हैं। आलू का छिलका निकाल कर इस तरह से काट देना है। वेफर मैंने इससे बनाई है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिलानी है। फिटकरी यानी एलम। अब आलू चिप्स को इसमें डाल देना है। अब आलू चिप्स को फिटकरी वाले पानी में 4 से 5 घंटे तक रखना है। 5 घंटे बाद इस चिप्स को पूरी तरह से साफ कर लेना है। अब चिप्स को दो और पानी से धो लेना है। अब एक बर्तन में पानी गरम करना है। उसमें डाल देना है नमक। जैसे ही पानी गरम हो जाता है उसमें डाल देनी है आलू चिप्स। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक ही रखना है। इस तरह से आपको चेक करना है। इसे नेल से इस तरह से तोड़ के देखना है। ये इजीली टूट रही है। इसका मतलब ये अब बन गई है। बस इसे निकाल देना है और कड़ी धूप में सुखा देना है। ये 2 से 3 घंटे में ही सूख जाती है। आलू चिप्स को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है। फिर से और आलू चिप्स डालने हैं। फिर से बॉईल करना है, निकाल देना है और धूप में सुखा देना है। पानी कम होते जा रहा है तो उसमें और पानी डालते जाना है। थोड़ा सा नमक भी डालते जाना है। इस तरह से सारी चिप्स को बॉईल करके धूप में सुखा दिया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।